खेसारी लाल के पिता ना है पवन सिंह जी, वो खुद ना बोलते हैं। फिर कह रहा का कह रहे हैं खेसारी लाल, क्या कहते हैं कि मेरे भी बात करो, मेरे बड़े भाई हैं पवन भैया, मेरे पिता सो रहे, चल जाओ चाइना में, चाइना में जाकर पूछो डू यू नो लॉलीपॉप सॉन्ग भोजपुरी, ऐसे कर दो चाइनीज बात। खाली मसूरी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं मसूरी चाचा। अच्छा, तो अब उन लोग के बीच में क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो अब विशाल भाई समझे और खेसारी जी समझे। हाँ। बाकी हम पवन सिंह के लिए देखो अभी 35,000 का नुकसान सहे हैं, हम अभी दिखा रहे हैं। ये कहता है मैंने वो आदमी कुत्ता समझते हैं, अपने यूट्यूबर अपने आदमी लोग का कुत्ता बना के रखे होंगे ना, कह रहे हैं छोड़ देंगे। ये क्या हो गया, छोड़ देंगे? अरे बोल आपको भैया, ये गणजल्ला वाला बात हो गई है, गणजल्ला वाला, गणजल्ला समझते हो, मान लीजिए कोई अगर आगे बढ़ा, कोई अच्छा किया, अगला कार जल गया, समीर चौधरी ऐलान कर दिया, जाओ हमारे तरफ से 500 टिकट फ्री है। कितना? 500 टिकट समीर चौधरी का, जाना 26 जनवरी। जब से खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं तब से विवादों का सिलसिला शुरू हो जाता है, इधर सौरभ सूर्या तो उधर विशाल सिंह, ऐसे तमाम यूट्यूबर आकर बयान देते हैं और खेसारी लाल यादव को गलत ठहराते हैं। अभी हमारे साथ समीर चौधरी है जो साफ तौर पे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह पर बात करेंगे। पहले समीर जी स्वागत है, कैसे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये बताइए खेसारी लाल यादव जब से लाइव आ रहे हैं, जब से विवादों का जो सिलसिला है थम नहीं रहा है, कारण क्या है समीर? जो खेसारी लाल यादव लाइव आके गलत कर दिए, नहीं गणजल्ला वाला बात हो गई, गणजल्ला वाला, गणजल्ला समझते हो, मान लीजिए कोई अगर आगे बढ़ा, कोई अच्छा किया, अगला घर जल गया। अरे भैया हमको खेसारी लाल यादव के साफ तौर पर पैसे कहिएगा घर जल गया, अब तो ऐसे तो कह रहा है जैसे लग रहा है कि हम गाड़ी दे रहे हैं। अरे भैया क्या जरूरत है, मान लीजिए अगला अगर पवन सिंह के टीम के कोई छोटा आदमी अगर कुछ कह दिया तो अपने आप को आप बड़ा समझते, तो बड़ा गरिमा बना के ना चलिएगा। आप भी छोटा आदमी हो गए हैं, आप भी मैंने टीम के आदमी है, काहे उछल के उलूल कुलूल बोल देते हैं आप। एक खेसारी लाल यादव जो अगर बेटी पे गाना गल कोल तो समीर चौधरी बोल लो कौन कुशवाहा के, तो गाना डिलीट हो गलो। तो जब गलत हुआ आपके साथ तो समाज खड़ा होता है ना जी। अभी आप लाइव काहे नहीं आए, लजाल बिल्ली खंबा नोचे, समझ गए कि हमारा सब ट्रोल कर रहा है। अरे पवन सिंह के गाना भैया बॉलीवुड में आज के डेट में स्त्री का टेलर हेलो एक सप्ताह हो गलो, स्त्री टू को कोई नहीं जान रहा था, जब गाना आया तुरंत पता चला कि बाप रे अभी तो पवन सिंह का गाना हो, पवन सिंह गाना हो, तो स्त्री टू के टेलर भी सब देखने लगा। हाँ ये होता है, समीर चौधरी ऐलान कर दिया, जाओ हमारे तरफ से 500 टिकट फ्री है। कितना? 500 टिकट समीर चौधरी का, जाना 26 जनवरी में, झंडा तोरण कम देखेगा आदमी, अभी सब पिक्चर ज्यादा देखे जाएगा। हाँ। जाओ देखो, मनोबल बढ़ाओ, भोजपुरी के सितारा को आगे बढ़ाओ। देखिए पवन सिंह के समीर चौधरी के कितने बड़े सपोर्टर हैं कि 500 टिकट फ्री दे रहे हैं। अरे भाई ऐसा तो तू बात कर दिया, पवन सिंह के लिए देखो अभी 35,000 का नुकसान सहे हम, अभी दिखा रहे हैं हम। देखिए यहाँ जूम कीजिए, देख रहे हैं, यही ना गाना है पवन सिंह के। सनरूफ पे बैठा है, हमार सनरूफ टेढ़ा हो गया। अच्छा, टेढ़ा हो गया, एकरा मतलब ये ना कि हम पवन सिंह के, अरे भैया पवन सिंह के लिए हम अपन पूरा गाड़ी कुर्बान कर देंगे यार, 1 करोड़ रुपया कुर्बान है, हमारे शीशा फूट गया था क्या हो गया, कुछ गम नहीं है हमको। पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम सुबह लाइव आएंगे और पूरा विस्तार से बताएंगे, विस्तार से बात करेंगे, उनका औकात दिखा देंगे। तो क्या खेसारी लाल यादव डर गए, भीगी बिल्ली पहाड़ नोचे वाले काम हो गया? ए भैया आप डर गए लोग, कहा हम ना जाने। हाँ। हाँ। लाइव काहे नहीं आदमी आया, हम ने कहता कि कल का भूला शाम है लो भूला नहीं, उनको समझ में आ गया होगा। ए भैया ये कह रहे हैं कि खेसारी पवन सिंह को अगर बढ़ाना ही था तो ये भोजपुरी गाना गाते वहाँ बॉलीवुड में, मैंने देखिए अपने नहीं है समझने सब। पवन सिंह मैंने खड़ा होते हैं, आप सलमान खान के साथ लिट्टी खिलाते हैं, जोकर टाइप का उलूल जुलूल करते हैं। अरे बिहारी के अंदर एगो अहंकार, एगो अपना, एगो नहीं लगता है कि एगो एटीट्यूड दिखना चाहिए, तो ये सब दिखाता है यार, झूठो आके उलूल जुलूल कर देना है, चर्चा का विषय में आ जाना है, ओकर गाना बदलो तो तनी हमू ट्रेंडिंग में रहो गाना के लेके। हाँ। यही बात चल रहा है बस। तो खेसारी लाल यादव को पवन सिंह से कंपेयर करना कहीं सही नहीं है, खेसारी लाल यादव उनको बराबर के कलाकार है ही नहीं। नहीं, खेसारी लाल के पिता ना है पवन सिंह जी, वो खुद ना बोलते हैं। फिर कह रहा का कह रहे हैं खेसारी लाल, क्या कहते हैं कि मेरे भी बात करो, मेरे बड़े भाई हैं पवन भैया, मेरे पिता सॉरी पर, तब पिता है तो आप पिता का फीता काटिएगा, तरीका से ना बात कीजिएगा। आपको पवन भैया से पूछना चाहिए कि सर ऐसे ऐसा बात है पवन भैया, ऐसे ऐसे पवन बाबू पूछना चाहिए आपको। पिछला स्टेज पे नंबर भी दिए थे, शेयर किए थे कि जो आपसी बात होगा फोन कर लेना खेसारी हमको। सही बात है, रवि किशन के सामने सही बात है। यही सब को लेते हुए आदमी को ना लगता है कि भोजपुरी के मैंने बिहार में दुगो के, यही दुगो के विवाद के चक्कर में छोटा कलाकार आगे नहीं बढ़ पाता। कोई कलाकार गाना रिलीज करता है, विवाद के चक्कर में गाना बैठ जाता है, गाना नहीं बूम कर पाता उन लोगों का। अब जैसे कहा जा रहा है सौरभ ऐश्वर्या, ऐसे सौरभ मेरा भाई है समीर चौधरी के, बता दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और सौरभ ऐश्वर्या कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत सही बात करता है वो। हाँ। आज वो बोल रहा है कि हम किसी के विवाद में नहीं बोलेंगे। हाँ। तो चलो भाई को समझ में आ गया कि चल समीर भाई भी सही बात करता है। हाँ,
मैंने बिना मतलब कि किसी का पचरा में नहीं टंगरी डालना है, हाँ न तो टंगरी डाले से पता अपने टंगरिया का चोट लग जाता, अगला का पचरा में तो छेदा है ही है। विशाल सिंह कहते हैं मसूरी मसूरी मसूरी, हम लाइव आ जाएंगे, हम रेलना स्टार्ट कर दें। तो क्या विशाल सिंह चाहते हैं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? खाली मसूरी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं मसूरी चाचा। अच्छा, तो अब उन लोग के बीच में क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो अब विशाल भाई समझे और खेसारी जी समझे। हाँ। बाकी हमको इतना पता है कि ये वही पावर स्टार है जो कि देखिए कि वहाँ जाके भैया बॉलीवुड में अपना पावर दिखा रहे हैं। यही नहीं, अनंत अंबानी की जब शादी में जब बजा था ना गणमात, आहा दिल दम गार्डन गार्डन होल था यार, काहे नहीं बज गया सानी है, काहे नहीं बदलू गणमात। हाँ। बजे ना चाहिए। हाँ। नहीं बजा काहे ना, तसला तबला टूट गया, काहे पवन सिंह के लॉलीपॉप गाना बता, चल जाओ चाइना में, चाइना में जाकर पूछो डू यू नो लॉलीपॉप सॉन्ग भोजपुरी, ऐसे कर दो चाइनीज बा। तो दुनिया का हर कोना में भोजपुरी को सुना जाता है यार लॉलीपॉप की वजह से, है ना। तो काहे नहीं कोनो गाना तसला तबला सानिया बानिया बज जाता है, बनना चाहिए। मतलब आपके अनुसार भोजपुरी की पहचान है, भोजपुरी की मान है, भोजपुरी के सम्मान है पवन सिंह? दम है, दम है, एक को भोजपुरी गाना पवन सिंह के लॉलीपॉप जो दुनिया का हर कोना है बसता, दुनिया का हर कोना है बता रहे हम। हाँ देखते हो वो कौन है कलुआ है, वो इतना दूर लुगा पहन के आता है नाश्ता है, अफ्रीका के हो कि कहाँ के हो। हाँ। टेंगे टेंगे लौंडा आया हो नाचा था लॉलीपॉप पे, तो ये गाना है हमारे बिहार का, हमारे समाज का, भोजपुरी की पहचान दिखती है वहां से। तो पवन सिंह है जो कि लकीर घीस दिए हैं, लकीर घीस दिए हैं। समीर चौधरी कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, पूरा जनता जानता है, पूरा दुनिया जानता है, वो लकीर घींचा लेता ना, वही लकीर पे आदमी दौड़ता है। तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम अपने यूट्यूबरों को छोड़ देंगे, हम अपने आदमियों को छोड़ देंगे, तो जानते हैं ना क्या से क्या हो जाएगा। कौन कहता है? हम बोलते हैं तो क्या होता है, ये कहता है खेसारी लाल कहते हैं। मने वो आदमी कुत्ता समझते हैं, अपने यूट्यूबर अपने आदमी लोग को आप कुत्ता बना के रखे होंगे। हाँ। तो ना कह रहे छोड़ देंगे। हाँ। ये क्या हो गया छोड़ देंगे? अरे बोल, आपको भैया ये सब चीज नहीं करना चाहिए, आपको ये वो गरिमा मेंटेन करके चलिए ना। पवन सिंह का डायलॉग हो, अरे बाबू तुम्हारा महादेव के मस्ती में व्यस्त है। हाँ। तो आपको भी काम करे में मस्त रहिए, और काहे ला लाइव आके व्यस्त रहते हैं, मत रहिए। अच्छा कारण क्या है, कोई भी यूट्यूबर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खेसारी लाल यादव को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो उनका पर्सनल यूट्यूबर था वो भी कह रहा है खेसारी भैया गलत कर रहे हैं, अगर इतना हिम्मत था तो महेश पांडे को बचा क्यों नहीं लिए? नहीं बचा लिए कहा कि उससे हमको नहीं लेना देना, हम एक के बात कहेंगे कि खेसारी जी आप समाज के बड़ा हिस्सा हैं। हाँ। और आप लोगों को इस शोभा नहीं देता, खास करके हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि आपके साथ जब गलत होता है तो हम लोग आवाज उठाते हैं, जब आप गलत कीजिएगा तो भैया हम बोलवे करते हैं। खेसारी लाल पूरा जो अपने ऑडियंस है जो उनका फैंस उनको मूर्ख समझते हैं के खेसारी लाल मूर्ख केकरा समझे यार, केकरा समझे मूर्ख, मूर्ख तो है ही था ना, तो ना उलुल जुलुल अपने कमेंट बाजी चक्कर में लड़ रहा है, सब अपने में लड़ रहा है कि हम पवन सिंह के आदमी, हम ओकर आदमी, हम एकर आदमी, इंसान के आदमी कोई नहीं है, कोई इंसानियत के लिए बात नहीं कर रहा, कोई अपने समाज के लिए नहीं लड़ रहा, तो झूठ मूठ के अगला के चक्कर में लड़ रहा। तो समीर चौधरी क्या कहेंगे लास्ट लास्ट? जाते जाते हम पवन सिंह के टीम के हाथ जोड़ के विनती कर रही हो, खेसारी लाल के भी टीम के विनती करते हैं, उलुल जुलुल मत कीजिए। कभी पवन सिंह के हम पुतला बना के सम्मान करते हैं तो बोलता है विरोध कर रहा है, उनका लगे हम गाड़ी के शीशा फोड़ देते हैं, अपना गाड़ी भी कुर्बान कर देते हैं। तो अगर हम लोग खड़ा है पीछे से तो आप लोग भी एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। पवन सिंह का गाना आया तो इस गाना को और ट्रेंडिंग लाई, हम पकड़ा के लिए जो 500 टिकट फ्री कर रहे हैं, आके मिल लीजिएगा मोना सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे 15 अगस्त के दिन। हाँ, सबसे पहला शो समीरा चौधरी देखने जाएगा। और हम कहते हैं कि अब 500 टिकट हम फ्री बांटेंगे स्ट्रीटू के लिए मात्र पवन सिंह के। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन, लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद जय भारत।